जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह अचानक शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में निर्माणाधीन 150 सीटर भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर ही फीता से नपाई कराकर पार्किंग स्थल छोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य गेट के पास के मुख्य दीवार को जेसीबी से तोड़वाया और 4 फीट पीछे से दीवार निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात परिसर की साफ सफाई कराकर अतिक्रमण को हटवाया। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में आप जैसे जान रहे हैं कुछ काम चल रहे हैं, बाउंड्री वाल का काम शुरू कराना था, बाउंड्री वाल पुरानी बाउंड्री वाल को डिसमेंटल करना था, आज बाउंड्री वाल डिसमेंटल कर दी गई है। अगले 2-3 दिन में काम बाउंड्री वाल का स्टार्ट हो जाएगा। गेट का डिजाइन फाइनल हो चुका है, तो गेट का भी होना है। पीछे से जो बगल में उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, एक इमरजेंसी कोविड के समय की, उसमें उसका 33/11 का जो सब स्टेशन जाना है उसके लिए, और अब मस्जिद जाने वाली जो रोड है उसकी टर्निंग पे बैक करके उसको जो है वो करना है। साथ में भी जो मेडिसिन के डॉक्टर का ड्यूटी रूम है उसको ठीक करना है, गायनिक के रूम को ठीक करना है, और जो यहाँ पे मेटर्निटी की समस्या है या सोनोग्राफी की समस्या, वो सारी चीज़ों को करने के हिसाब से, साथ में पार्किंग। सर, बड़ी समस्या ये है, चोरियों पर लगाम नहीं रख पा रही है सर। यहाँ पर चोरियों के CCTV लगाए गए हैं, 100 से ऊपर CCTV लगे हैं, और मैं इस हिसाब से बात करूँगा कि CCTV के फुटेज को लगातार देख करके जो भी चोरी की घटनाएं उनमें